जो एक शुद्ध विकार परम पदार्थ है, एक भाव निर्मल नित निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ जिसमें चरण ही ध्यान अभी जो बन गए परमाराध्य है, आराधना के सार है, हो नमन उन जिन देव को जो भोजलधि के पार है, भव चक्र से जो भव जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित यह नित्य बोधक भारती, नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नए चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। हमारी चर्चा नए चक्र में, नए चक्र का सामान्य स्वरूप उस पर चल रही थी, और अभी तक हमने नए चक्र की कुल 5, 6 या 7 परिभाषाओं पर भी चर्चा करी थी, जो अलग अलग परिभाषाएं थी, और उन अलग अलग परिभाषाओं के आने पर समान रूप से उनका क्या स्वरूप है जो उन सभी परिभाषाओं में व्याप्त है, और उन नई नई परिभाषाओं में क्या क्या विशेषता आई वो बात भी हमने देखी थी। आज हमारे सौभाग्य से भी पंडित जगदीश पंडित जी भी साथ में बैठे हुए हैं, तो कभी कोई बात आएगी तो वो भी हमको समझाएंगे कुछ। तो अभी हम आते हैं जहाँ पर हमने किया था। हाँ, अभी परसों पंडित जी ने एक क्वेश्चन, राकेश पंडित जी ने क्वेश्चन लिखा था जिसपे हमने थोड़ा सा आंसर दिया था, वो अपन ने पहले चर्चा नहीं करी थी कि नए वचनात्मक ने और ज्ञानात्मक ने की तो बात हमने करी है ना, तो वचनात्मक ने और ज्ञानात्मक ने के अलावा अर्थ नए, क्योंकि नए के 3 भेद आते हैं, शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए, तो अर्थ नए की बात शेष रह जाती थी, तो वो प्रश्न उन्होंने किया, तो अपन ने उस पर विचार किया था, फिर देखा था कि वस्तु में कोई ऐसे भेद तो है नहीं, वस्तु तो अभेद वस्तु होती है, लेकिन वो वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, तो अनंत धर्मात्मक वस्तु में एक एक नए का विषय एक एक धर्म है, तो उस अपेक्षा से अर्थ नए, वास्तविकता में अर्थ में कोई भेद नहीं है, लेकिन अर्थ की अपेक्षा से नए की विषय वस्तु जो होगी वो अर्थ नए कहलाएगी। ठीक है पंडित जी, अर्थ को भी अर्थ कहा। हाँ, पूरी वस्तु तो अर्थ है ही, वस्तु का एक अंश है वो भी अर्थ है, इसलिए दोष नहीं आता उसमें। हाँ, दोष नहीं बनता नहीं उसमें। तो इस तरह से ये बात आई थी अर्थ नहीं की, बाकी शब्द ने और ज्ञान ने की बात हमने करी थी कि जो जो शब्दों के माध्यम से, कथन के माध्यम से
पूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाले ना होकर के वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले जो कथन होंगे वो शब्द न हो जाएंगे, और जो पूर्ण वस्तु को ग्रहण ना करते हुए वस्तु के किसी एक अंश को जो ग्रहण करने वाला ज्ञान होगा वो ज्ञान न होगा। इसमें भी काफी बात आई थी कि ये जो भी नय होगा वो प्रमाण के द्वारा जाने वस्तु को ग्रहण करने के पश्चात फिर उसके किसी एक अंश को जो जानेगा वो नय कहलाएगा। और इसके लिए बात ये भी आई थी कि हाँ, ये हमारी लास्ट में बात चल रही थी जिसमें हमें आज चर्चा करनी है। तो मैं पेज नंबर 25 पर नीचे वाला जो पहला हवलाकार वाला वहां से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उसके एक ऊपर हमने पढ़ा भी था लेकिन दोबारा इसका रिवीजन हो जाएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से हम पढ़ेंगे। नए चक्रकार माइल धवल भी लिखते हैं, अनेक स्वभावों से परिपूर्ण वस्तु को प्रमाण के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात एकांतवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना करनी चाहिए। तो ये हमने देखा था कि एकांतवाद का नाश नयों के माध्यम से किस प्रकार से होता है, क्योंकि नयों के माध्यम से वस्तु में एक एक अंश को देखोगे तो एक अंश को देखोगे तब एकांतवाद का नाश नहीं होगा। वस्तु में अनेक अंशों को अनेक नयों के माध्यम से देखने पर, एक ही वस्तु में जब अनेक धर्मों को अनेक नयों के माध्यम से देखा जाएगा तो वहां पे एकांतवाद का नाश होगा। पंडित जी, इसमें हमारी चर्चा जब चल रही थी इसमें एक बात यह है कि अनेक स्वभावों से परिपूर्ण वस्तु को प्रमाण के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात एकांतवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना करनी चाहिए। तो इसमें प्रश्न उठाया था मैंने कि आपने वस्तु को ज्ञान स्वभावी कहा, तो ज्ञान स्वभावी वस्तु कहने पर इसमें एकांत का नाश कहाँ हुआ? एक अकेले एक अंश को पकड़ के संपूर्ण वस्तु पे आरोपित करना, ये तो उल्टा एकांत हो जाएगा। तो फिर नयों के माध्यम से एक नए के नहीं, नयों की योजना मतलब बहुत सारे नए, अर्थात एक वस्तु में आप अनेक धर्मों की स्थापना करोगे नयों के माध्यम से, तो अनेक धर्मों की स्थापना करने पे एकांतवाद का नाश हमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए एकांतवाद के नाश की जो बात आई ना, इसमें एक बात ये ग्रहण करने योग्य है यहाँ पर कि नए प्रमाण के साथ निक्षेप खड़ा है। यद्यपि एक अपेक्षा से नए प्रमाण और निक्षेप में समानता है, क्योंकि नए प्रमाण भी वस्तु में भेद डालते हैं और निक्षेप भी वस्तु में भेद डालता है। ये नए प्रमाण निक्षेप में समानता है, इस समानता के साथ असमानता भी है। निक्षेप जो भेद डालता है वो प्रकृत और अप्रकृत के मध्य भेद डालता है। धवला ग्रंथ में परिभाषा आती है निक्षेप के संदर्भ में, जिसके द्वारा अप्रकृत विषय का निराकरण, प्रकृत विषय का निरूपण, संशय का नाश और तत्वार्थ का निश्चय किया जा सके, उसे निक्षेप कहते हैं। तो यहाँ प्रकृत और अप्रकृत के मध्य रेखा खींचता है निक्षेप। तो यहाँ अप्रकृत माने क्या, प्रकृत माने क्या, तो अप्रकृत माने एकांतवाद, अप्रकृत माने एकांत, प्रकृत माने अनेकांत। तो मैंने ये मैंने जो एकांत का कचरा हटा दिया पहले निक्षेप ने, एकांत रूपी कचरे को हटा के किसको खड़ा किया, अनेकांत को खड़ा किया। अब अनेकांत खड़ा हो गया, अब अनेकांत खड़ा हो गया, अब उसमें फिर दो भाग किए अनेकांत में, मैंने वस्तु के दो टुकड़े किए एक प्रकार से स्थापना के रूप में। कल्पना करो कि अस्थि व नास्ति ऐसे दो टुकड़े कर दिए। तो अब यहाँ फिर मुख्य गुण होगा, पहले तो निराकरण होगा और यहाँ मुख्य गुण होगा। नए प्रमाण में मुख्य गुण होता है और निक्षेप में निराकरण होता है और निरूपण होता है। ये एक समझने योग्य बात है यहाँ पर। तो एकांत का नाश, एकांत का जो खंडन करेगा वो निक्षेप करेगा, और उसका खंडन अथवा नाश होने के बाद में फिर अनेकांत खड़ा होगा। अब जब अनेकांत खड़ा हो गया तो उस अनेकांत में जो धर्म युगल है या उसका अनेकांत में स्वरूप है, उसको वचन विद्या द्वारा एक समय में कहा जाना शक्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वस्तु के एक भाव को मुख्य करेंगे और उस भाव के साथ जिस भाव की व्याप्ति है उसको गौण करेंगे। अब यहाँ भी कई बार ऐसा पढ़ा देते हैं कि वस्तु के एक भाव को मुख्य किया तो संपूर्ण शेष भावों को गौण करना, ऐसा ग्रहण नहीं करना। संपूर्ण शेष भावों को गौण नहीं करेंगे, उसी भाव को गौण करेंगे जिसकी
उस विवक्षित भाव के साथ व्याप्ति है। अनेकांत को खड़ा करना है ना, अनेकांत को सिद्ध करना है, तो पूरा गोलमाल हो जाएगा अगर ऐसा कहेंगे तो मन एक को मुख्य किया तो गौण में सारी चीजें नहीं लेना है, गौण में भी एक ही चीज लेना है, किंतु वो वाली लेना है कि जिसका उसके साथ व्याप्ति घटित हो रही है। ये बात तो परस्पर विरुद्ध धर्मों के संबंध में हो, तो बात वही चल रही है ना। अरे नए यदि हम नए को गुणों में घटाए घटेगा ही नहीं ना। अच्छा, अरे ये तो धर्मों की तो सारी व्यवस्था है ना भाई, अनेकांतात्मक घटेगा ही नहीं, घटेगा ही नहीं, तो धर्म युगलों में ही नए की व्यवस्था है, गुणों में घटेगा ही नहीं मतलब वो। और फिर भी यदि हम किसी गुण में स्थापना कर रहे हैं तो उस गुण को धर्म के रूप में ग्रहण करेंगे वहां पर। अच्छा, जैसे चेतना गुण है जीव के अंदर, तो इसमें लग जाएगा तो फिर उसमें जड़ और चेतन दो भाग बन जाएगा। अच्छा, इसीलिए गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता कि चेतन है अचेतन नहीं, ऐसी अस्थि नास्ति घटेगी, ये कह रहे हैं। तो वो भी एक तरह से अस्थि नास्ति हो गया ना, हो गया, वो तो धर्म युगल खड़ा हो गया ना वहां पर। हाँ, ये ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर, तो वो गुणों में तो लगता ही नहीं है ना, ये ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी बात हमारी ये चली, अप्रकृत का निराकरण, प्रकृत का निरूपण। तो ये निक्षेपण प्रणाली की व्यवस्था है ये, कि पहले अप्रकृत का निराकरण करना। अप्रकृत मने एकांतवाद, एकांतवाद मने विकल्पात्मक वस्तु, अनेकांत मने अर्थात्मक वस्तु, ये सभी ग्रहण करें समझने के लिए। ये आप एक बार इनको बता दीजिए, अर्थात्मक वस्तु और विकल्पात्मक वस्तु। देखिए ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, हम निक्षेप के आधार से आगे बढ़ रहे हैं। अप्रकृत, तो अप्रकृत और प्रकृत ये दो चीजें बन गई। अब इसी को अपन दूसरे शब्द में कहेंगे, अप्रकृत को एकांत और प्रकृत को अनेकांत दूसरी भाषा में। अब तीसरी भाषा में कहेंगे, अप्रकृत माने विकल्पात्मक वस्तु और प्रकृत माने अर्थात्मक वस्तु। अब जो अर्थात्मक वस्तु होगी वो अनेकांतमय होगी, बात वही चल रही है, इस पाठ से नहीं हट रहे हम, ये भाषा का भेद गिर रहा है मात्र यहाँ पर। तो कहने का अभिप्राय ये कि वहां एकांत का खंडन, एकांत का निराकरण जो करेगा, निक्षेप करेगा, नहीं करेगा, नए प्रमाण का काम नहीं एकांत का खंडन करना, एकांत का खंडन करना निक्षेप का काम है। अब वो एकांत का खंडन कर दिया, निराकरण कर दिया, अब कौन खड़ा हुआ, तो अनेकांत खड़ा हुआ। अब वो अनेकांत जो खड़ा है ना, अब उस अनेकांत में जो स्वरूप है वस्तु का, अब उसमें वचन विद्या में इतनी ताकत नहीं है कि एक समय में उसको कहा जा सके अनेकांत को। इस न्याय से एक को मुख्य करेंगे, दूसरे को गौण करेंगे, एक को मुख्य कर दूसरे को गौण करेंगे, और ये मुख्य गौण की प्रक्रिया नए प्रमाण दोनों में होगी। अंतर इतना गिरेगा कि नए में वस्तु के एक धर्म को मुख्य करेंगे और उस धर्म के साथ जिस धर्म की व्याप्ति है उसको गौण करेंगे, और प्रमाण मीमांसा में किसी वस्तु विशेष को मुख्य करेंगे और उस वस्तु की जो प्रतियोगी वस्तु है उसको वहां गौण करेंगे। मुख्य गौण प्रमाण में भी होगा, मुख्य गौण नए में भी होगा, अकेले नए में होगा ऐसा नहीं। जैसे हमने नए में मुख्य गौण करेंगे तो अस्थि और नास्ति, दृष्टांत अस्थि नास्ति का, कोई बात नहीं, उसी वस्तु में अस्थि नास्ति की जो हम नित्य अनित्य ले लेते हैं, कोई समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु में नित्य धर्म को मुख्य किया तो अनित्य धर्म उसका जो प्रतिपक्ष है वो गौण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब प्रमाण में करेंगे तो प्रमाण में वो वस्तु गौण हो जाएगी, जैसे आत्मा को लिया तो आत्मा मुख हो जाएगी, तो जड़ पदार्थ जितने वो सब गौण हो जाएंगे। तो प्रमाण में भी चेतन को खड़ा किया हमने, चेतन वस्तु को हमने सिद्ध किया, तो जड़ उसमें गौण हो जाएगा, तो जड़ में पांचों द्रव्य चले जाएंगे। हाँ, और पांचों द्रव्य के साथ यदि ओम शुद्ध अध्यात्म की बात करें तो मुझे आत्मा को छोड़कर बाकी जो आत्मा है वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे जड़ में। हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए जड़ है, मेरे लिए तो मैं ही चेतन हूं ना। हाँ, ये तो पूरी पूरी जितनी जितनी वस्तुएं हैं जगत में उसमें से एक वस्तु को अलग निकाल दिया हमने। हाँ, तो बाकी जितनी वस्तुएं सब एक पार्टी में खड़ी हो गई एक प्रकार से, ऐसा ग्रहण करें तो वो वहां पर गौण होगा, और जिस वस्तु को खड़ा किया वो मुख्य होगा। तो मुख्य गौण पना अकेला नए में होता है ऐसा नहीं है, प्रमाण में भी होगा। लेकिन वो समझना कैसे? हाँ, कैसे, वही तो बड़ी बात है ना। देखिए यहाँ भी मुख्य गुण अलग चीज है, मुख्य उपचार अलग चीज है, कई बार इसमें भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो मुख्य गुण है वो कथन पद्धति का अनेकांत है, जो मुख्य उपचार है वो व्यवहार कथन का अनेकांत है। जब निश्चय व्यवहार पढ़ते हैं तो उपचार व्यवहार उधर जाएगा, माने जो मुख्य उपचार है वो व्यवहार कथन का अनेकांत है, व्यवहार कथन का, व्यवहार कथन का अनेकांत है, और निश्चय व्यवहार है वो कथन के भेद हैं, और नए प्रमाण भी कथन के भेद हैं। अब क्या फर्क पड़ा,
नए प्रमाण भी कथन के भेद है, निश्चय व्यवहार भी कथन के भेद है, उस शैली का अंतर गिरेगा। अध्यात्म शैली में निश्चय व्यवहार कहेंगे कथन को, निश्चय कथन व्यवहार कथन अध्यात्म शैली में। और जब हम उससे अलग हटकर हम यदि बात करते हैं सिद्धांत शैली में, तो वह कथन के दो भेद बनेंगे सिद्धांत शैली में, नए कथन प्रमाण कथन, ये सिद्धांत शैली है। निश्चय कथन व्यवहार कथन ये अध्यात्म शैली है। यद्यपि दोनों ही कथन के भेद है, निश्चय व्यवहार भी भेद है और नए प्रमाण भी भेद है, तो मुख्य गुण कथन पद्धति का अनेकांत है, मुख्य उपचार व्यवहार कथन का अनेकांत है। और आगे बढ़ते हैं हम तो शातकार एवकार कथन का अनेकांत है। शातकार और एवकार कथन बात अलग है, कथन पद्धति बात अलग है, व्यवहार कथन बात अलग है, तीनों चीज अलग अलग है। अगर अकेले कथन की बात करेंगे तो शातकार एवकार कथन का अनेकांत कहलाएगा। कथन पद्धति की बात करेंगे तो मुख्य गुण उसका अनेकांत कहलाएगा, और मुख्य उपचार कहेंगे तो व्यवहार कथन का अनेकांत कहलाएगा। तीन चीजें स्थापना करी हमने, हाँ, कथन, कथन पद्धति और व्यवहार कथन, कथन कथन पद्धति और व्यवहार कथन, तो तीनों का अनेकांत गठित किया। कथन पद्धति का अनेकांत है मुख्य गुण, कथन का अनेकांत है शातकार एवकार, और व्यवहार कथन का अनेकांत है मुख्य उपचार। शातकार और एवकार में वो ही और ही की चर्चा जो पहले आई थी, अनेकांत और शातवाद वाले चैप्टर में, तो एवकार का मतलब ही आया था, वो आपको ख्याल होगा। देखिए बहुत चिंतन का विषय है। यद्यपि यहाँ आचार्य ज्येष्ठ देव ने पंचाशत इकाय की गाथा नंबर 14 में ऐसा बतलाया है कि नयात्मक वाक्य रचना में शातकार एवकार दोनों का प्रयोग होगा, एवं प्रमाणात्मक वाक्य रचना में अकेले शातकार का प्रयोग होगा। ऐसा आचार्य जयसेन देव ने पंचाशत इकाय में गाथा नंबर 14 में सप्तभंग के प्रकरण में इस प्रकार की मीमांसा की है। इससे हटकर आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक नामक जो टीका है तत्वार सूत्र जी की, उसमें चौथे अध्याय में सूत्र क्रमांक 42 में ऐसा स्पष्ट रूप से बतलाया है, बल्कि प्रयोग करके दिखाया है कि नयात्मक एवं प्रमाणात्मक दोनों प्रकार के वाक्यों में शातकार एवकार दोनों का प्रयोग होगा। वहां प्रमाणात्मक वाक्य रचना का एक प्रयोग किया गया है सप्तभंगी को सिद्ध करने के लिए, तो वहां सप्तभंगी में से तीन भंगों में शातकार एवकार का प्रयोग किया है, एवं बाकी के चार भंगों में च का प्रयोग किया है मात्र। बहुत जबरदस्त बात है अपने आप में, सप्तभंगी के संदर्भ में एक बहुत विशिष्ट बात है। इसी बात को जो है और आगे हम बढ़ाते हैं सप्तभंगी वाली बात को। स्वामी ने श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने का जो सूत्र उसमें लास्ट में एक बात रखी उन्होंने, श्यात अस्ति, जैसे संबंध में सात चलते, इसमें एक बड़ी बात समझने की ये है, प्रत्येक में बात का निराकरण है और किसी एक बात का निरूपण है, हर एक भंग में एक बात का निराकरण होना आवश्यक है। ऐसा तो सभी कहते हैं कि प्रश्न सात प्रकार के होते हैं, जिज्ञासाएं सात प्रकार की होती है, किंतु कहीं भी ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि वो सात प्रकार की जिज्ञासाएं, वो सात प्रकार के प्रश्न कौन से हैं। तो यहाँ श्लोक वार्तिक में उसका संकेत हमें प्राप्त होता है। सप्तभंग में सबसे पहले भंग में अस्थि का जो दृष्टांत दिया, श्यात अस्थि, तो वहां ऐसा घटाया है कि ब्रह्म अद्वैतवाद का खंडन किया है पहले भंग में। पहले भंग में ब्रह्म अद्वैतवाद का खंडन, दूसरे भंग में तत्व उपलवाद का खंडन, तत्व उपलवाद का खंडन दूसरे भंग में, तो तीसरे भंग में बौद्ध मत का खंडन, फिर चौथे भंग में वैशेषिक मत का खंडन, पांचवें भंग में शंकर मत का खंडन, छठे भंग में बौद्ध का एक फिरका है माध्यमिकी, उस माध्यमिका का खंडन छठे में, और सातवें में श्वेतांबर मत का खंडन, श्वेतांबर मत का खंडन। बड़ी गजब की बात है अपने आप में, मैंने वास्तव में श्वेतांबर क्या भूल कर रहा है, ये इस बात को हम पढ़ा नहीं पा रहे दिगंबरी, मतलब अगर इसको सही अर्थ में पढ़ाओ ना, और सामने वाला ईमानदार हो श्वेतांबरी, तो एक झटके में दिगंबरी हो जाए, मतलब तो वो बात चल नहीं पा रही यहाँ पर, तो बहुत विशिष्ट बात है। और कैसे घटाएं उसको, ये
राजवार्ता में चौथे अध्याय में 42 नंबर का सूत्र, वहां आचार्य अकलंग देव ने सप्तभंगी के संदर्भ में बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है, और वहां भी सप्तभंगी में जो वाक्य रचना की है उसका अभी तक कोई हिंदी नहीं कर पाया है, गलत में ही है वो, गलती करते हैं जब भी, नहीं हुआ ही नहीं हिंदी, गलत करना तो और अलग मैटर है पूरा, और दूसरी बातों का हिंदीकरण हुआ, उसमें जो वाक्य रचना की है श्यात नास्ति एव, श्यात अवक्तम एव, तीन भंग हो गए, फिर चौथा जो है चौथा भंग खड़ा किया, तीन हो गए ना, श्यात अस्ति नास्ति च, श्यात अस्ति च नास्ति च, ऐसा लिखा, श्यात अस्ति च नास्ति च, ये चौथा हो गया, फिर पांचवे में श्यात अस्ति च अवक्तव्य, फिर बाद में कौन सा हो गया, श्यात नास्ति, नंबर कौन सा हो गया, पांचवा, अब आगे बढ़े, श्यात नास्ति च अवक्तव्य, सातवा श्यात अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य च, ये इस प्रकार से आचार्य संस्कृत में लिखा है, उसका आज तक किसी ने भी हिंदी नहीं किया है, जो अपने आप में बहुत विलक्षण बात है, यदि विचार करें तो ये बहुत प्रश्न है, बहुत आगे निकल गए, यहाँ तो हमारी बात ये चली थी एकांतवाद का निराकरण, तो वस्तु तो एकांतवाद का निराकरण निक्षेप से होता है, नए प्रमाण से नहीं, जो नए प्रमाण खड़े हैं वे तो एकांतवाद का निराकरण होने के बाद में वस्तु जो अनेकांतमय खड़ी है उसमें से किसी एक भाव को मुख्य करना दूसरे भाव को गौण करना यह कार्य है नए प्रमाण का, एकांत का खंडन करना नए प्रमाण का कार्य नहीं है, वो तो हो चुका पहले निक्षेप के द्वारा, इस दृष्टि से यदि विचार करें हम तो निक्षेप है वह, माने निक्षेप भी अधिगम का उपाय है और नए प्रमाण भी अधिगम का उपाय है, किंतु जो निक्षेप है उसे निमित्त भी कह सकते हैं, क्योंकि नए प्रमाण है वो उपादान कारण है अधिगम का, वस्तु के अधिगम का नए प्रमाण उपादान कारण है, ऐसा भी घटित हो जाता है, और जो निक्षेप है वो निमित्त कारण है, क्योंकि पूर्ववर्ती स्थिति निक्षेप वाली, जो निक्षेप वाली स्थिति है वो पूर्ववर्ती है। अब एक बड़ी बात है कि तत्वार सूत्र जी में कहीं भी निक्षेप की परिभाषा नहीं आती है, न्यास तो आता है नाम भेद दिए मात्र, तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में निक्षेप के संदर्भ में चार भेद दिए मात्र, लक्षण नहीं बांधा पूरे ग्रंथ में कहीं भी, यदि उसकी परिभाषा की बात करें हम तो धवला में हमें प्राप्त होती है, एक परिभाषा हमने पहले पढ़ी जिसके द्वारा अप्रकृत विषय का निराकरण, प्रकृत विषय का निरूपण, संशय का नाश एवं तत्वार्थ का निश्चय किया जा सके उसे निक्षेप कहते हैं, एक दूसरी परिभाषा आती धवला ग्रंथ में निक्षेप की, वस्तु में भेद डालने के उपाय को निक्षेप कहते हैं, इसलिए मैंने एक जगह पढ़ा था तो जो नए का विषय है वो निक्षेप है, घटाया ऐसा हाँ। किंतु ऐसा एकांत नहीं लेना, अच्छा। वो भी उपचार का कथन है, वो भी उपचार का कथन, जो नए है वो विषय ये निक्षेप वो विषय ऐसा हाँ। जो आता है ना वो उपचार का कथन है, देखिए वास्तव में देखिए निक्षेप भी भेद डालने का काम करता है और नए प्रमाण भी भेद डालने का काम करते हैं, दोनों एक ही साइड है, एक साइड खड़े ना वो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अंतर क्या पढ़ा, अंतर ये पढ़ा कि निक्षेप ने जिस जिन वस्तुओं में भेद डाला है वो वस्तु है दार्शनिक, और नए प्रमाण ने जिस वस्तु में भेद डाला है वो वस्तु है सिद्धांतिक, ये समझने की बात है, दार्शनिक वस्तु और सिद्धांतिक वस्तु, निक्षेप ने जो भेद डाला है वो दार्शनिक वस्तु, तो दार्शनिक वस्तु सिद्धांतिक वस्तु की तुलना में बड़ी होती है, क्योंकि अर्थात्मक के साथ में विकल्पात्मक वस्तु को भी दार्शनिक शैली में ग्रहण किया गया है, और सिद्धांत शैली में अकेली अर्थात्मक वस्तु ही होती है, पंडित जी एक बार आप सभी को मतलब अर्थात्मक वस्तु और विकल्पात्मक वस्तु उदाहरण से बता दीजिए, देखिए ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे गधे का सिंग, आकाश का फूल, वंध्या सूत, मृग मरीचिका का जल, ये भी वस्तु है दार्शनिक शैली में, किंतु किस रूप में, विकल्पात्मक रूप में, विकल्प ज्ञान में खड़ी है ना वो, गधे का सिंह खड़ा है, कहाँ खड़ा है, विकल्प ज्ञान में, इसलिए दार्शनिक शैली में ये भी इसको वस्तु कहा है, किंतु सिद्धांत शैली में वस्तु नहीं कहा, सिद्धांत शैली में उसी को वस्तु कहा है जो अनेकांतमय है,
जिसमें अर्थ क्रिया होवे वही वस्तु है सिद्धांत शैली में। तो नए प्रमाण की जो वस्तु है वह सिद्धांतिक वस्तु है, निक्षेप की जो वस्तु है वह दार्शनिक वस्तु है। दार्शनिक वस्तु होने के नाते या विकल्पात्मक और अर्थात्मक दोनों को लेना, दार्शनिक शैली में विकल्पात्मक वो अर्थात्मक दोनों को लेना, तो दोनों के बीच में जो रेखा खींचे उसे निक्षेप कहते हैं। विकल्पात्मक वस्तु और अर्थात्मक वस्तु माने वास्तविक जगत और काल्पनिक जगत, वास्तविक जगत काल्पनिक जगत के मध्य जो रेखा खींचे उसे निक्षेप कहते हैं। वस्तु में भेद डालने को निक्षेप कहते हैं, तो कौन सी वस्तु में डालना, तो दार्शनिक वस्तु में। तो दार्शनिक में दोनों आ जाएगी, विकल्पात्मक एवं अर्थात्मक। जब सिद्धांत शैली में चर्चा करेंगे तो अकेली अर्थात्मक वस्तु संबोधित होगी या उसका विषय बनेगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि निक्षेप नए प्रमाण एक न्याय से एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। जो विषय विषय की बात चलती है ना, उपचार का कथन है, निक्षेप है वो विषय है, नए है वो विषय है, ऐसा कहते हैं। तो प्रमाण में क्या घटाएंगे, जो निक्षेप विषय है, हाँ विषय विषय करने वाले हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं। अधिगम के उपाय है, अधिगम के उपाय है, निक्षेप भी अधिगम का उपाय है। नए प्रमाण को तो साफ तौर से कहा ही उन्होंने, पूरा सूत्र लिखा है ना, तो उसके पहले निक्षेप लिखा है वसु महाराज ने। नए प्रमाण की बात तो बाद में की। अब यहाँ भी सत्संख्या आदि निर्देश आदि ये भी अधिगम के उपाय है। विस्तार बुद्धि वालों के लिए मध्यम, ये बड़ी बात है सुलभ, उसमें विस्तार बुद्धि वाली बात तो है ही है, पर एक दूसरी बड़ी बात है यहाँ देखिए। नए प्रमाण को वस्तु के अधिगम का मुख्य उपाय बतलाया है, और सत्संख्या निर्देश आदि को उपचार से हाँ ये मुख्य है, वो उपचार से, मुख्य के बाद गौण नहीं लेना। नए प्रमाण मुख्य है, सत्संख्या निर्देश आदि गौण है, ऐसा नहीं लेना, उपचार से। और उपचार वाली बात ही कुछ अलग है। जैसे परीक्षा मुख में स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान की चर्चा चलती है, वहां जो परार्थ अनुमान स्वार्थ अनुमान वास्तव में अनुमान के भेद नहीं है, वो उपचार की चर्चा है वहां पर। तो ये उपचार वाली बात बहुत गजब की है अपने आप में। कई जगह उपचार की जगह हम गौण कर देते हैं उसे, तो यहाँ ये गौण रूप उपाय नहीं है, उपचार रूप उपाय है। यहाँ आचार्य विद्यानंद स्वामी ने प्रश्न खड़ा किया कि आपने सत्संख्या निर्देश आदि वाली बात रखी आगे जाके, तो क्या तूके नए प्रमाण से, क्या तूके इसका। भाई आपको बोले कि ये जो है सूक्ष्म बुद्धि वाले के लिए बात हो, विस्तार बुद्धि वाले के लिए बाद में। तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने प्रश्न उठाया कि विस्तार बुद्धि वाले के लिए आपने सत्संख्या शादी वाली बात कही, मैंने आठवा नौवा नंबर का सूत्र लिखा, तो फिर नए प्रमाण को विस्तार करना था ना, ये नई चीज कहां से आ गई। तो बहुत सुंदर उत्तर लिखा वहां पर कि नए प्रमाण की चर्चा सुनकर जिसको इस जाति के प्रश्न खड़े हो जावे स्वयं, मैंने ज्ञानी नहीं समझा रहे सत्संख्या निर्देश आदि, ज्ञानी के ज्ञानी का संदेश तो नए प्रमाण वाला था, ज्ञानी का संदेश तो निक्षेप और नए प्रमाण वाला था। सत्संख्या निर्देश आदि वाली बात है ना, वो तो उसके दिमाग की उपज है श्रोता के स्वयं जानने का। हाँ हाँ, वो नए प्रमाण बिल्कुल समझ में नहीं आया ऐसा नहीं है, समझ में तो आया उसे पर निर्णय नहीं हुआ अभी, और विशेष जानकारी। हाँ विशेष जानना, पूरा निर्णय नहीं हुआ, तो पूरा निर्णय करने के लिए उसको प्रश्न खड़े हुए। तो ये जो सत्संख्या निर्देश आदि वाली बात है, ये जिज्ञासु के जिज्ञासु की उपज है, जिज्ञासु की ज्ञान की उपज है। ये ज्ञानी नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, वो तो उसके दिमाग की उपज है, तो उसको फिर समाधान तो देना ही उनको। ये एक सुंदर प्रश्न खड़ा किया दयानंद स्वामी ने कि आपको नए प्रमाण का विस्तार करना था ना आगे, तो नए प्रमाण की चर्चा छोड़ के आप सत्संख्या निर्देश आदि में चले गए, ये क्या है। तो एक बढ़िया उत्तर आया कि ये ज्ञानी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो उसकी उपज है दिमाग की श्रोता की, तो उसको उत्तर तो देना ही है ज्ञानी को, वो एक करे हो गया ना। हाँ तो यहाँ जो है ये सत्संख्या निर्देश आदि वाली जो बात है, इसको अमुख्य उपाय कहा, और यहाँ जो है प्रमाण नए को मुख्य उपाय कहा। तो यहाँ अमुख्य उपाय का मतलब उपचार लेना, अमुख्य का मतलब गौण नहीं लेना, क्योंकि मुख्य गुण की बात तो हो चुकी है नए प्रमाण में। नए प्रमाण का मतलब ही मुख्य गुण होता है, अरे जो मुख्य गुण करे उसी का नाम तो नए प्रमाण है, तो फिर वो गुण यहाँ कैसे आ जाएगा। इसलिए यहाँ गुण नहीं पढ़ना, यहाँ पर तो जो है उपचार ही पढ़ना। ये भी याद रखना जो अभी हम पहले पढ़ के आए थे कि
नए मुख्य गौण का कार्य करता है, तो नए मुख्य गौण का कार्य जो करता है वो पंडित जी ने बताया कैसे, प्रमाण का मुख्य गौण का कार्य अलग जाती है, वो ध्यान रखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं नहीं, नए अलग ढंग से मुख्य गौण करता है, प्रमाण अलग ढंग से मुख्य गुण करता, मुख्य गुण दोनों करेंगे, अंतर इतना पड़ेगा, नए जो मुख्य गुण करेगा उसमें किसी वस्तु को खड़ा करेगा, उस वस्तु के एक अंश को मुख्य करेगा और उस अंश के साथ जिस अंश की व्याप्ति है उसको गुण करेगा। जहां तक प्रमाण का प्रश्न है, प्रमाण किसी वस्तु विशेष को खड़ा करेगा और उस वस्तु विशेष को छोड़कर उसकी जो प्रतियोगी वस्तु है उसको गुण करेगा, मैंने पूरी पूरी वस्तु लेगा, यहाँ मुख्य में पूरी वस्तु है, गुण में पूरी वस्तु है, प्रमाण में और नए में, मुख्य में भी अंश है और गुण में भी अंश है, मतलब नए अंश ग्राही है और प्रमाण सर्वग्राही है, तो वो पूरी वस्तु को ग्रहण करता है। ये इसके अलावा एक और बड़ी बात, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, प्रमाण द्वारा प्रसिद्ध वस्तु के एक अंश ग्राही ज्ञान को नए कहते हैं। अभी बहुत सुंदर विश्लेषण है यहाँ पर, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, तो यहाँ प्रमाण को भी शामिल किया है इसमें, नए में प्रमाण, प्रमाण को अलग नहीं किया है यहाँ पर। अच्छा, हाँ ये बड़ी बात है, सुनो बड़ी बात बता रहा हूँ, वक्ता के अभिप्राय को नए, तो यहाँ नए में प्रमाण भी एक नए है, मैंने वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, मैंने अवक्ता के अभिप्राय को नए नहीं कहते हैं, अवक्ता मैंने अज्ञानी को अलग हटा दिया, मैंने ज्ञानी को अज्ञानी से भिन्न दिखाया है, वक्ता का अभिप्राय ज्ञाता का अभिप्राय, अब वक्ता और ज्ञाता में ज्यादा अंतर नहीं है, अगर अपने लिए काम करता है तो ज्ञाता है, दूसरों को समझा रहा है तो वक्ता है, उसमें कोई समस्या है। तो यहाँ ज्ञाता का अभिप्राय वक्ता का अभिप्राय नामक जो लक्षण बांधा है उसमें अज्ञानी से ज्ञानी को भिन्न दिखाया है, एवं प्रमाण द्वारा प्रसिद्ध वस्तु के एक अंश ग्राही ज्ञान को नहीं कहते हैं। जब ये वाली बात चलिए तो वहां पर फिर प्रमाण ज्ञानी को अलग दिखाया है और नए ज्ञानी को अलग दिखाया है, प्रमाण ज्ञानी नए ज्ञानी में भेद डाला है, उस परिभाषा में बात ख्याल में आ गई ना, दो अलग अलग ज्ञानी नहीं है। डिवाइडेशन है ना, सुनो, अब पर्टिकुलर जीव में प्रमाण ज्ञान प्रकट हुआ, बाद में नए ज्ञान प्रकट हुआ, तो उसका वो ज्ञान भिन्न हो गया उससे खुद का ही, मैंने व्यक्ति भेद की बात नहीं है, तो ज्ञान में भिन्न, ज्ञान में नहीं, व्यक्ति भेद भी गिरेगा, व्यक्ति भेद भी गिरेगा ना, जब नए जब ज्ञान से ज्ञानी को अभेद करके कथन करेगा तो व्यक्ति भेद हो जाएगा, दोनों बात घटेगी। तो कहने का अभिप्राय है कि ज्ञाता का अभिप्राय वक्ता का अभिप्राय नामक जो परिभाषा बनाई है उसमें ज्ञानी को अज्ञानी से भिन्न दिखाया है, एवं जहाँ प्रमाण द्वारा प्रसिद्ध वस्तु के एक अंश ग्रह ज्ञान को नए कहते हैं, ये जो लक्षण बांधा है इसमें नए ज्ञान को प्रमाण से भिन्न दिखाया है। कर दीजिए, तो आज हम यहाँ तक ही लेते हैं, आधा घंटा हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया थोड़ा, और इसके आगे की चर्चा अब हम कल से प्रारंभ करेंगे, आपको कोई प्रश्न भी हो ना तो अभी पंडित जी हैं अभी हमारे पास, तो आप लोग लिख के रख लेना, लिख के रख लेना, मैं नाम बता देता हूँ एक, अच्छा अतिशय को प्रश्न, अतिशय पूछो जल्दी पूछो, एक दिव्या है, अतिशय है, अभिषेक, अतिश जैन, मिताली जैन, रुचि जैन और सरवार से जैन, सरवार अपना वही, मेरे प्रश्न का समाधान हो गया, हाँ वो प्रश्न उठा था उसका समाधान हो गया, वही प्रश्न उठा था कि प्रमाण में जो अपना नए गौण किया वो किस तरह से किया, कि वो वस्तु के एक वस्तु को ग्रहण करता है प्रमाण, तो उसमें वो किस तरह से मुख्य गौण करता है, तो वो हो गया उसका समाधान मेरा, जब बाद में रिपीटेशन हो गया था तो समाधान हो गया, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हाँ प्रश्न आपको जो भी हो वो ग्रुप पे डाल देना, और फिर उसके बाद पहले पढ़ के रखेंगे हम, तो ताकि डायरेक्ट समाधान, तो फिर आपके प्रश्नों को हम पहले ही पढ़ लेंगे, फिर पंडित जी उसका समाधान कर लेंगे, जिससे अपना थोड़ा विषय भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, जवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हम लो, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उच्छाणम नमो लेसवसवणम, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उच्छाणम नमो लेसवसवणम, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उच्छाणम नमो लेसवसवणम, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसवसवणम, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसवसवणम, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसवसवणम, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसवसवणम, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम
नमो नम नमो ले नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो झाणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो झाणम नमो लोय सुसाहुरम कुलंतरम खुद्रम सर्वजनेन भगवंतों की जय हो। स्वास्थ्य मात की जय हो। संतों की जय हो। जैन धर्म की जय। सभी जय।